के स्टार्ट में हम एक छोटी बच्ची को उसकी मदर के साथ वर्थ एकेडमी की वेटिंग एरिया में बैठा हुआ देखते हैं। मूवी में उस बच्ची का नाम लिटिल गर्ल है। वहाँ उसकी मदर उसे समझा रही होती है कि जजेस तुमसे बस एक ही सवाल पूछेंगे और वो ये कि तुम क्यों वर्थ एकेडमी का मेंबर बनना चाहती हो, और तुमने एक ही जवाब देना है जो मैंने तुम्हें बताया है। इसके बाद उनकी बारी आ जाती है और लिटिल गर्ल जजेस के सामने चली जाती है, लेकिन वो बच्ची काफी कंफ्यूज हो रही थी। जजेस उसकी फाइल्स देख रहे होते हैं और वो उससे सिर्फ एक ही सवाल करते हैं कि वो बड़े होकर क्या बनना चाहती है, और वो उस क्वेश्चन का वही आंसर कर देती है जो उसकी मदर ने उसे बताया था। इट्स मेन क्वेश्चन ही चेंज हो जाता है, और जब उसे रियलाइज होता है कि ओह आंसर गलत है, तो वो घबराते हुए बेहोश हो जाती है। फिर वो बाहर आकर अपनी मदर को सॉरी बोलती है, लेकिन उसकी मदर उसे कहती है कि अब हम प्लान बी यूज करेंगे। वो वर्थ एकेडमी के पास ही एक घर ढूंढ लेते हैं और अपना सारा सामान लेकर वहाँ पर शिफ्ट हो जाते हैं। वो अपने साथ वाला घर देखते हैं जो कि काफी अजीब था, और उस घर से बर्ड्स उड़कर उनके घर पर बैठ रहे थे। मदर उन पर पानी फेंकती है और वो सारे उड़ जाते हैं। लिटिल गर्ल अपनी मदर से पूछती है कि क्या मैं वर्थ एकेडमी जाने के काबिल नहीं हूँ, जिस पर उसकी मदर कहती है कि अगर नहीं भी हो तो समर एंड होने तक हो जाओगी। तभी वहाँ पर एक वैन आती है, तब मदर लिटिल गर्ल को उसका लाइफ प्लान दिखाती है। मदर एक डोर ओपन करती है जहाँ पर काफी चीजें बनी हुई थी, काफी कुछ मेंशन था। मदर उसे बताती है कि तुम्हारी लाइफ का हर एक मिनट इन्हीं चार्ट्स के अकॉर्डिंग गुजरेगा, वो इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकती। मदर उसे बताती है कि तुम्हारा स्कूल स्टार्ट होने में 53 डेज है, और इन डेज में वो एडमिशन की तैयारी करेगी और सिर्फ चार्ट के अकॉर्डिंग हर घंटा हर मिनट गुजारेगी। तभी मदर को कहीं पर जाना पड़ता है और वो वहाँ से चली जाती है। अब लिटिल गर्ल घर में अकेली थी, वो घर के अंदर जाती है, लेकिन तभी उसे कोई स्मेल आने लगती है। तब वो ये चेक करने जाती है कि वो स्मेल कहाँ से आ रही है। तब पता चलता है कि वो स्मेल घर की वॉल के पीछे से आ रही है, और तभी वहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है और प्लेन के विंग के पीसेस दीवार से टकरा कर उसके घर में चले जाते हैं, जिससे उसका लाइफ प्लान भी खराब हो जाता है। अब लिटिल गर्ल अंदर जाने की कोशिश करती है, लेकिन वो डोर लॉक था। लेकिन तभी वहाँ एक बूढ़ा आदमी आता है, यानी ओल्ड मैन, और उसी रास्ते यानी दीवार से गुजर कर घर के अंदर चला जाता है। वो प्लेन की विंग्स लेकर वहाँ से चला जाता है और टूटी हुई जगह पर वो प्लांट्स रख देता है। ये सब कुछ लिटिल गर्ल देख रही थी। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और सब लोग अपने घरों से बाहर आकर देखने लगते हैं। पुलिस ऑफिसर उस ओल्ड मैन को बुलाता है और उससे पूछता है कि तुमने फिर से प्लेन को स्टार्ट करने की कोशिश की है, जिस पर ओल्ड मैन कहता है कि हाँ मैंने ऐसा किया है, और ऐसा करने पर वो सॉरी बोलता है। अब यहाँ पर वो पुलिस ऑफिसर ओल्ड मैन को अरेस्ट नहीं करता। ओल्ड मैन लिटिल गर्ल को बहुत सारे कॉइन्स यानी सिक्के देता है ताकि वो अपने घर को रिपेयर करवा ले, यानी उस वॉल को ठीक करवा ले जो टूट गई थी। इसके बाद रात हो जाती है और लिटिल गर्ल की मदर घर आती है। तब लिटिल गर्ल उन्हें सारी बात बताती है। तब उसकी मदर कहती है कि हमें इंश्योरेंस कंपनी में कॉल करनी चाहिए और उस ओल्ड मैन के खिलाफ केस करना चाहिए, लेकिन लिटिल गर्ल कहती है कि मैं ये सब कुछ कर चुकी हूँ। वो ये भी कहती है कि मैं कल रिपेयर वाले को बुलाकर घर ठीक करवा दूंगी, जिससे हम सब कुछ भूल जाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके बाद लिटिल गर्ल अपने रूम को सेट करती है। वो अपना वर्थ एकेडमी का यूनिफॉर्म भी रेडी करके हैंग कर देती है। इसके बाद वो स्टडी करने लगती है, लेकिन तभी उसे विंडो से एक पेपर से बना प्लेन नजर आता है जो कि उसकी बुक पर गिर जाता है। लिटिल गर्ल एक प्लेन को खोलती है और उस पर एक स्टोरी लिखी हुई थी, और वो स्टोरी थी उसी ओल्ड मैन की। इसके बाद वो स्टोरी को पढ़ने लगती है। स्टोरी में लिखा हुआ था कि एक दफा एक जगह पर एक छोटा सा प्रिंस रहता था जिसका नाम था लिटिल प्रिंस। वो काफी अकेला था, और तभी लिटिल गर्ल को वहाँ पर एक आवाज सुनाई देती है, और जब वो ऊपर देखती है तो वही ओल्ड मैन एक दूरबीन लगाकर बैठा हुआ था। वो लिटिल गर्ल को कहता है कि तुम मेरी दोस्त बन सकती हो। तब लिटिल गर्ल ये देखकर विंडो बंद कर लेती है और वो उस पेज को डस्टबिन में फेंक देती है। इसके बाद सुबह हो जाती है। लिटिल गर्ल और उसकी मदर फ्रेश होते हैं। इसके बाद उसकी मदर ऑफिस के लिए निकल जाती है, और लिटिल गर्ल अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग वर्कआउट कर रही थी और ब्रेकफास्ट करती है। इसके बाद वो पढ़ना शुरू कर देती है और लंच टाइम पर वो स्टडी करना छोड़ देती है। फिर वो ओल्ड मैन के दिए हुए सिक्के काउंट करने लगती है, और उसे उसमें से कुछ चीजें मिलती हैं, जैसे कि पिंस और क्रिस्टल बॉल। इसके अलावा छोटा सा प्लेन और छोटी सी बॉय डॉल, और वो बॉय डॉल एक प्रिंस था। तभी लिटिल गर्ल को वो पेपर वाली स्टोरी याद आने लगती है जो उसने डस्टबिन में फेंक दी थी। तब वो उसे उठाती है और पढ़ने लगती है। उसके आगे उस ओल्ड मैन ने अपनी कहानी लिखी होती है कि मैं भी बहुत अकेला था और मेरे पास भी बात करने के लिए कोई नहीं था, और इसीलिए मैं प्लेन चलाने लग गया और मैं पूरी दुनिया घूमा, लेकिन फिर एक डेजर्ट में मेरा प्लेन खराब हो गया और वहीं पर
गिर गया। इसके बाद वो वहीं पर ही बैठा रहा। उसके अलावा वहाँ पर कोई भी नहीं था, यानी बिल्कुल अकेला था वो वहाँ पर। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर एक बच्चा आता है जो उस ओल्ड मैन को एक शिप बनाने के लिए कहता है। तब ओल्ड मैन उसे वहाँ पर देख कर काफी हैरान रह जाता है। तब वो बच्चा उसे दोबारा कहता है कि शिप बनाओ। तब वो ओल्ड मैन अलग तरह की शिप बनाता है जो कि उस छोटे बच्चे को पसंद नहीं आती। इसीलिए ओल्ड मैन गुस्से में आकर उसे एक बॉक्स में 3 होल बनाकर दे देता है जो कि उस बच्चे को बहुत पसंद आती है। और वो ओल्ड मैन कहता है कि देखो वो सो रहे हैं। इसके बाद वो स्टोरी वाला पेज खत्म हो जाता है। अब यहाँ पर वो लिटिल गर्ल काफी क्यूरियस होती है कि आगे क्या हुआ होगा। इसके बाद वो बाहर आती है और काफी सोचने के बाद ओल्ड मैन के घर चली जाती है। ओल्ड मैन के गार्डन में वो काफी चीजें देखती है जिनमें प्लेन्स थे, साइकिल्स थी और साइकिल्स के टायर्स थे। उस टाइम ओल्ड मैन अपना एक प्लेन ठीक कर रहा होता है। तब लिटिल गर्ल उसके पास जाकर उसे बुलाती है। तब अचानक से उसकी आवाज सुनकर ओल्ड मैन घबरा जाता है। इसी वजह से बाय मिस्टेक एक पैराशूट ओपन हो जाता है। तब लिटिल गर्ल उसे देखकर बहुत खुश होती है। फिर वो पैराशूट लिटिल गर्ल और उस ओल्ड मैन पर गिर जाता है। इसीलिए वो दोनों हंसने लगते हैं। फिर लिटिल गर्ल ओल्ड मैन से उस स्टोरी के बारे में पूछती है कि वो बच्चा उस डेजर्ट में क्या कर रहा था और उसके पेरेंट्स कहाँ पर थे और वो आया कहाँ से था। फिर वो ओल्ड मैन के घर काफी डिफरेंट चीजें देखती है जो लिटिल गर्ल को काफी अट्रैक्ट करती है, उसे काफी पसंद आती है। इसके बाद ओल्ड मैन उसे ऊपर ले जाता है और प्रिंस के बारे में बताने लगता है कि वो एक स्टार पर रहता था और उसका काम था कि वो बुरे और नुकसान देने वाले ट्रीज को काट दे और जमीन से कभी भी ना निकलने दे और साथ साथ अच्छे ट्रीज की हिफाजत करे। वहाँ पर एक रोज फ्लावर भी ग्रो कर रहा था जो कि उस लिटिल प्रिंस को बहुत पसंद था। वो दोनों यानी फ्लावर और लिटिल प्रिंस अपना सारा टाइम एक साथ ही गुजारते थे। फिर एक दिन वो प्रिंस रोज को अकेला छोड़कर उड़ गया। तब लिटिल गर्ल उसे पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया। तब ओल्ड मैन कहता है कि ये सब कुछ वो रोज के लिए ही तो कर रहा था। और तभी लिटिल गर्ल का वॉच अलार्म बजने लगता है, इसीलिए वो घर भागती है जहाँ पर उसकी मदर आ चुकी थी। मदर पूछती है कि तुमने स्टडी की थी, जिस पर लिटिल गर्ल उन्हें बताती है कि मैंने न्यू फ्रेंड बनाया है। और जब मदर लाइफ प्लान चेक करती है तो फ्रेंड के लिए सिर्फ आधा घंटा था। लिटिल गर्ल रात को जब सोने लगती है तो वो स्टोरी के सारे पेजेस को ठीक तरह से रखती है और उसे पढ़ने लगती है। वो पढ़ती है कि लिटिल प्रिंस डिफरेंट स्टार्स पर जाता है और पहले वो जिस स्टार पर जाता है वहाँ पर एक किंग था। लिटिल प्रिंस उससे सनसेट करने के लिए कहता है जिससे वो किंग मान जाता है। इसके बाद दूसरे स्टार पर जाकर वो एक आदमी से मिलता है जो कि बिल्कुल अकेला उस स्टार पर रहता था। आगे जाकर वो एक और आदमी से मिलता है जो कि स्टार्स बेचा करता था। तब लिटिल प्रिंस उससे स्टार्स खरीदता है। फिर लिटिल गर्ल को दिखाया जाता है जो स्टोरी पढ़ते पढ़ते सो गई थी। फिर नेक्स्ट डे वो फिर से ओल्ड मैन के पास जाती है जहाँ पर ओल्ड मैन उसे काइट्स उड़ाना सिखा रहा था। इसके बाद फिर से हम उस लिटिल प्रिंस की स्टोरी की तरफ आते हैं जिसमें प्रिंस वापस से अर्थ पर आ गया था जहाँ वो एक स्नेक से मिलता है। स्नेक उसे अपनी पावर के बारे में बताता है। उधर लिटिल गर्ल ट्री क्लाइंबिंग सीख रही थी लेकिन तभी अचानक से वो गिर जाती है और उसे चोट लग जाती है। तब ओल्ड मैन उसे मेडिसिन लगाता है। लिटिल प्रिंस को दिखाया जाता है जो कि एक फॉक्स को अपना फ्रेंड बना लेता है। लिटिल गर्ल ओल्ड मैन के साथ बहुत खुश रहती है। वो सारा दिन खेलते हैं, एंजॉय करते हैं, वो पेंटिंग भी करते हैं जो कि अंधेरे में शाइन करती है और वो प्लेन्स में पिक्चर्स भी बनाते हैं। रात को जब लिटिल गर्ल सोती है तो उसका पूरा रूम शाइनिंग स्टार से भर जाता है। उधर वो लिटिल प्रिंस और फॉक्स बेस्ट फ्रेंड्स बन जाते हैं। लिटिल गर्ल अपनी मदर को ऐसी शो करवाती है जैसे वो सारे काम टाइम टेबल के मुताबिक ही कर रही है लेकिन जैसे उसकी मदर जाती थी वो तो ओल्ड मैन के पास चली जाती थी। इसके बाद लिटिल प्रिंस को दिखाया जाता है जहाँ पर वो बहुत सारे रोज देखता है और अपसेट हो जाता है क्योंकि उसे लगता था कि उसकी रोज सबसे अलग है और पूरे यूनिवर्स में बिल्कुल अकेली थी। तब फॉक्स उसे समझाती है कि तुम्हारी रोज वाकई ही सबसे अलग है और स्पेशल है क्योंकि वो तुम्हारी रोज जो है। ओल्ड मैन कहता है कि हर किसी को एक ना एक दिन जाना ही होता है। तब लिटिल गर्ल उसे पूछती है कि क्या आप जा रहे हैं, जिस पर ओल्ड मैन कहता है कि हाँ मैं लिटिल प्रिंस के पास जा रहा हूँ। फिर ओल्ड मैन लिटिल गर्ल को कहीं पर घुमाने लेकर जा रहा था। ओल्ड मैन गाड़ी चला रहा होता है लेकिन वो आगे आने वाली गाड़ी का ध्यान नहीं रख पाता, इसीलिए पुलिस उसे रोक लेती है। तब लिटिल गर्ल पुलिस ऑफिसर को कहती है कि आज मेरा बर्थडे है। इसके बाद वो पुलिस ऑफिसर मदर को वहाँ पर बुलाता है। इसके बाद मदर और लिटिल गर्ल घर आ जाती है। यहाँ पर मदर लिटिल गर्ल को बहुत डांटती है। वो उसे कहती है कि मैं
मैं तुम्हारी लाइफ सेट करना चाहती हूँ। जब लिटिल गर्ल कहती है कि आप सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू देख रही हैं और मैं स्टडी करती तो हूँ, हर टाइम अपना काम करती रहती हूँ और देखना एक दिन मैं भी गायब हो जाऊंगी। तब उसकी मदर उसकी सारी चीजें फेंक देती है और स्ट्रिक्टली उसे टाइम टेबल फॉलो करवाती है। यहाँ पर लिटिल गर्ल ओल्ड मैन को बहुत याद कर रही थी। उधर लिटिल प्रिंस ओल्ड मैन के साथ कहीं पर जा रहा होता है लेकिन रास्ते में ही उन्हें रात हो जाती है। ओल्ड मैन लिटिल प्रिंस को अपनी गोद में उठाकर ले जा रहा होता है। लिटिल गर्ल अपना सामान पैक करके ओल्ड मैन के पास चली जाती है और उसके प्लेन में बैठकर उसे उड़ाने का कहती है, लेकिन वो ओल्ड मैन इस बात के लिए नहीं मानता और कहता है कि लिटिल प्रिंस आगे अकेला ही गया था। और फिर लिटिल प्रिंस एक दिन मुझसे मिलने आया और उसे स्नेक ने काट लिया और वो कहीं पर गायब हो गया। तब लिटिल गर्ल उससे पूछती है कि क्या आपको कंफर्म है कि वो अपने रोज के पास चला गया होगा और उसे सब कुछ याद है, यानी वो कुछ भूला नहीं है और वो अपने साइज से बड़ा भी नहीं हुआ। जिस पर ओल्ड मैन कहता है कि हाँ मुझे ऐसा ही लगता है। तब ये सुनकर लिटिल गर्ल को उस पर गुस्सा आ जाता है और वो उसकी चीजें उसके मुंह पर फेंक कर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वो अपने घर जाती है और सारे स्टार्स को क्लीन कर देती है। और जब वो अपनी मदर के साथ होती है तो तभी वो ओल्ड मैन को एक एम्बुलेंस में देखती है, तो वो हॉस्पिटल जाने के लिए उसके पीछे पीछे भागती है लेकिन कोई भी उसे ओल्ड मैन से नहीं मिलने देता। इसके बाद वो घर आकर देखती है कि अभी भी उसके पास लिटिल प्रिंस और वो रोज है। इसके बाद वो विंडो के रास्ते बाहर आती है और प्लेन को स्टार्ट करने लगती है। फिर प्लेन स्टार्ट हो भी जाता है और काफी मुश्किल से वो उसे संभालती है और हवा में उड़ने लगती है। वहाँ वो एक सिटी देखती है जहाँ पर कोई भी छोटा बच्चा नहीं था क्योंकि वहाँ पर बच्चे अलाउड थे ही नहीं। वो वहाँ जाती है और रूल्स तोड़ने पर उसे पुलिस अरेस्ट कर लेती है और इस पुलिस को वहाँ पर लिटिल प्रिंस ने ही भेजा था। इसके बाद लिटिल गर्ल वहाँ से भाग जाती है और एक लिफ्ट में आकर छुप जाती है। वही लिफ्ट में उसे किंग मिलता है जो उस टाइम किंग नहीं था बल्कि लिफ्ट का काम कर रहा था। तब ये देखकर लिटिल गर्ल को काफी अजीब लगता है। इसके बाद वो बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर जाती है जहाँ पर उसे प्रिंस मिलता है जो कि अपने साइज से काफी बड़ा हो गया था और उस टाइम प्रिंस क्लीनिंग कर रहा था। लिटिल गर्ल समझ जाती है कि वो सब कुछ भूल गया है। अब लिटिल गर्ल उसे सब कुछ याद करवाने की कोशिश करती है लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आता। लेकिन अचानक से प्रिंस की नज़र लिटिल गर्ल पर पड़ती है और वो उसे देखकर कहता है कि तुम तो साइज में बहुत छोटी सी हो और यहाँ पर छोटे बच्चे अलाउड नहीं है। तब लिटिल गर्ल उसे बताती है कि मैं ऐसे इसलिए हूँ क्योंकि मैं छोटी बच्ची हूँ। इसके बाद प्रिंस उसे एक जगह पर लेकर जाता है जहाँ पर उसे पकड़ लिया जाता है और उसकी हर चीज को लेकर डस्टबिन में फेंक देते हैं। फिर लिटिल गर्ल को बड़ा करने वाली मशीन में डालने लगते हैं जैसे कि प्रिंस को किया था। और जब लिटिल गर्ल बड़ी होगी तो वो सब कुछ भूल जाएगी। और तभी प्रिंस डस्टबिन से टकरा जाता है जिससे उसकी सारी ड्रॉइंग्स वो स्टोरी बाहर आ जाती है। तब प्रिंस को सब कुछ याद आ जाता है और वो उस इंसान को मशीन में भेज देता है जो लिटिल गर्ल को अंदर भेज रहा था। इसके बाद लिटिल गर्ल उसे उसकी सारी बातें बताती है और कहती है कि हम प्लेन से उसी स्टार पर वापस जा सकते हैं। इसके बाद वो बाहर आकर अपने प्लेन को क्रैश होने से बचा लेते हैं और तभी वहाँ पर वो इंसान आ जाता है जो स्टार्स को बेचा करता था। वो सारे स्टार्स को अपने पास कैद कर लेता है। वो लिटिल गर्ल को भी गार्ड्स की मदद से पकड़ लेता है। तब ये देखकर प्रिंस समझ जाता है कि ये लोग बुरे हैं, अच्छे नहीं हैं, इसीलिए वो उस जॉब को छोड़ देता है। फिर उनका प्लेन उड़ रहा होता है। तब लिटिल गर्ल और प्रिंस उसकी तरफ भाग रहे होते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। अब प्रिंस तो उस प्लेन पर चला जाता है लेकिन लिटिल गर्ल उन सारे स्टार्स को आजाद करवा देती है। इसके बाद वो अपने स्टार पर पहुंचते हैं जहाँ पर बुरे ट्रीज आ गए थे और प्रिंस की रोज की डेथ हो गई थी क्योंकि वो काफी ड्राई हो गया था। तब वो दोनों अपसेट हो जाते हैं और तभी अचानक से एक काफी तेज लाइट आती है जिससे लिटिल प्रिंस दोबारा से छोटा हो जाता है। लिटिल प्रिंस कहता है कि मैं रोज को देख सकता हूँ। फिर उनके स्टार पर सब कुछ ठीक हो जाता है। इसके बाद लिटिल गर्ल वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हमें लिटिल गर्ल की मदर दिखाई जाती है जो सुबह उठती है तो लिटिल गर्ल उनके पास आकर उनसे कहती है कि मामा जल्दी कीजिए क्योंकि वर्थ अकेडमी में जाने से पहले हमने हॉस्पिटल जाना है। फिर वो हॉस्पिटल जाती है और ओल्ड मैन को एक गिफ्ट देती है जिसमें उसने ओल्ड मैन की स्टोरी को एक सीक्वेंस से जोड़ दिया था। तब ये देखकर ओल्ड मैन बहुत खुश होता है। फिर वो दोनों ओल्ड मैन के घर जाती है जहाँ पर लिटिल गर्ल और उसकी मदर ओल्ड मैन की दूरबीन से स्टार्स को देख रहे थे। और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।